मोदी मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को जगह, भाजपा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई। नितिन गडकरी ने वेबिनार में कहा 2025 से पहले देश में सड़क हादसों में 50% कमी लाने का रखा गया है लक्ष्य। बार एसोसिएशन ने CJIANV रमना को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का किया अनुरोध। अजय माकन ने बिजली बिल में फिक्स चार्ज को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना किया पंजाब का जिक्र। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 2 दिन में 5 दहशतगर्द ढेर। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। अमीरपुर में सड़कों पर तेजी से दौड़ लगा रहे डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने में अधिकारी नाकाम हो गए हैं। डग्गामार वाहनों क्षमता से कई गुना अधिक सवारियों को बैठाकर सड़कों पर तेजी से दौड़ रही हैं। इस मामले में लोगों का कहना है कि इस गाड़ियों से पुलिस वसूली करते ही है और इसी वजह से इस वाहनों पर अधिकारी रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। थाने के सामने से भी ये वाहन हर रोज निकलते हैं, लेकिन ना ही गाड़ियों को रोकने का काम किया गया है और ना ही सवारियों को हिसाब से बिठाया जा रहा है। यातायात पुलिस भी अपना हाथ साफ करने में लगी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर डग्गामार वाहनों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। कब इस तरह सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर एक्शन लिया जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आगरा के सांसद SP सिंह बघेल के केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बताया कि आगरा में सिविल एयरपोर्ट बनाने का प्रयास रहेगा, जिसमें कुछ बाधा आ रही है, लेकिन जल्द ही उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही SP सिंह बघेल ने यह भी बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री होने के नाते जितना विकास करना संभव होगा उतना विकास किया जाएगा और मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आप भी सुनिए SP सिंह बघेल का ये बयान। माननीय प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरे संगठन का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के आगरा को ये जिम्मेदारी दी गई है, पूरी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आगरा के विकास का संबंध है, यद्यपि पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाएँ, हर विधानसभा का अलग मिजाज है, हर विधानसभा की अपनी अलग समस्याएँ हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि मोहल्ले का एक घोषणा पत्र होना चाहिए। जहाँ सड़क नहीं है वो सड़क मांगते हैं, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल चाहिए, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी, जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली, जहाँ खरंजा नहीं है वहाँ खरंजा, जो पार्क जी का जीर्णोद्धार। लेकिन कुल मिलाकर अगर आगरा शहर और आगरा लोकसभा का देखा जाए तो आगरा की जनता का हमेशा सपना है कि एक बैराज बने, जैसे यमुना जी के बैराज बनने से पानी का जलस्तर ऊपर आए, जल क्रीड़ाएँ वहाँ पर हो सकें, ताजमहल की बुनियाद लकड़ी है उसको नमी मिले और किसानों को सिंचाई का। देश में पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले लोगों ने पाकिस्तान में कराए जा रहे धर्मांतरण पर जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के गंदे मंसूबों को बेनकाब जरूर किया जाएगा। इसी के साथ संगठन के लोगों की मांग है कि सरकार इस तरह की चीजों पर कड़े कानून बनाए, ताकि पाकिस्तान जिस तरह के दूसरे धर्म के लोगों पर दबाव बना रहा है उसे रोका जा सके। वहीं सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि भारत में हर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं और इस मामले में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आज ISI के द्वारा जो हमारे हिंदुस्तान में सिख बहन बेटियों को परगला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, पाकिस्तान इसमें पूरी तरीके से शेल्डिंग कर रहा है। बाहर विदेशों से जो मोबिलाइजिंग के जो रुपया आ रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और केंद्र व प्रदेश की जो सौर्य सरकार को जगाना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, ये उठें, जागें और इस पर कानून सख्त के सख्त कानून बनाएं और जिससे मोबिलाइजिंग का केस रोके जाएं। रोज जो खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से लगभग लाखों आदमियों का प्रदेश के अंदर और देश के अंदर धर्मांतरण हो चुका है। अगर यही स्थिति चलती रही तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। आने वाले समय में उनका जो टारगेट है कि हमको दारुल इस्लाम जो कबूल कराना है 2025 से लेकर 2030 तक, अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो ये ऐसा वो कर। UPC प्रतिनिधि बोर्ड की तरफ से जो ये आज आयोजन किया गया धरने का, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे हमारे काफ़ी
सिख समाज में जो एक आक्रोश पैदा हुआ कि कुछ बरगला के लड़कियां ये लोग ले गए, और इनका जो मंसूबा था आईएसआई वालों का, उस पर हमें रोक लगानी, और हमें वो कानून जो कई प्रदेशों में लागू है धर्मांतरण पे, वो कानून यूपी में भी लागू हो, ऐसी हमारी मांग है। और ये हम अपेक्षा करते हैं सरकार से, यूपी सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस बारे में वो बड़ी गहनता से विचार करें, क्योंकि सरकार ये जो कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो हिंदू आज खतरे में है। ये कितने बड़े अफसोसजनक बात है कि हिंदुओं की सरकार हो और हिंदू खतरे में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर हमारी सरकारों को, केंद्रीय सरकार को, खासकर हमारे मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा सख्त कानून बनावे कि वरगला के कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा कोई दूसरा। कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र में एक होटल में महिला सिपाही के साथ उन्नाव सीओ अय्याशी करते हुए मिले। जानकारी मिली है कि एसपी के घर जाने के लिए सीओ ने छुट्टी ली थी, इसके बाद सीओ ने अपने फोन बंद कर दिया। मोबाइल के बंद होने पर सीओ की पत्नी ने उन्नाव एसपी को फोन किया। शिकायत के बाद एसपी ने सर्विलांस टीम और सीओ टीम को फौरन कार्रवाई करने के लिए लगा दिया। इसके बाद सीओ सिटी और सर्विलांस टीम ने आपत्तिजनक हालत में सीओ को पकड़ लिया। तो महिला की कॉल के बाद जब सर्विलांस पे फोन लगाया गया तो महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकतें करते हुए सीओ सिटी पकड़े गए हैं। वहीं बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये भी है कि कार्रवाई करते हुए एसपी को सीएम कार्यालय से संबंध कर दिया गया है। सीओ सिटी को और सर्विलांस टीम ने आपत्तिजनक हालत में सीओ को पकड़ लिया है। प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद भी अब ब्लड बैंक में समस्या खड़ी हो गई है। रक्तदान न होने से ब्लड बैंक में सिर्फ 14 यूनिट खून बचा है। ए पॉजिटिव 3 यूनिट ब्लड है और बी पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। ओ पॉजिटिव 5 यूनिट ब्लड है। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते रक्तदान करने वालों की संख्या में जबरदस्त कमी आई है। कोरोना काल में अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति और गर्भवती महिला को खून की जरूरत पड़ जाए तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समस्या पर सीएमएस सुरेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक संस्थाएं ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन नहीं करती तब तक ब्लड की दिक्कत दूर नहीं होगी। मैं प्रेजेंट टाइम में आज आपका दिनांक 6 जुलाई है और हमारे पास मात्र 14 बोतल ब्लड है, जिसमें ए का 3, ए बी नहीं है, ओ का 5, ए बी का 4 है। निगेटिव ग्रुप में एक ए है, बी नहीं है, ओ का 1 है और ए बी का नहीं। जो है ब्लड डोनेशन कैंप का जब तक नहीं आयोजन होगा तब तक कमी दूर नहीं होगी, क्योंकि अगर एक यूनिट कोई ब्लड दिया उसके एवज में एक यूनिट लिया तो इस तरह से ब्लड नहीं बढ़ेगा ब्लड बैंक में। ये केवल स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन से बढ़ेगा ब्लड बैंक में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता बंसल सीतापुर पहुंची। अनीता बंसल ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आदेश दिया है कि गर्भवती महिलाओं और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाओं को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ महिलाओं को समय से मिले इस पर भी ध्यान दिया जाए। महिला संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में कोई भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही अनियमितताएं मिलने पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर के पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज भी कर दिया गया और लापरवाह कर्मचारियों पर ही एक्शन लेने की बात कही गई है। रायबरेली में 18 ब्लॉकों में आज से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 18 पदों के लिए 200 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी के लिए अपने नाम को आगे किया है। अमावा ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसी वजह से सबसे दिलचस्प मुकाबला अमावा ब्लॉक में होने की उम्मीद है। इसी ब्लॉक से धनंजय प्रताप सिंह का नाम प्रमुख पद के उम्मीदवार में है। हालांकि पहले धनंजय प्रताप सिंह का नाम भारतीय जनता पार्टी की सूची में था लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम काट दिया गया।
मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, मैं आपसे आना चाहूंगी। धनंजय प्रताप सिंह बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे थे, हालांकि उनके नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सूची से काट दिया गया। देखिए, रायबरेली जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीट अमावा ब्लॉक है, यहाँ पर जो है पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गीय पूर्व विधायक अखिलेश सिंह व उनकी लड़की आदिति सिंह की माता जी वैशाली सिंह मैदान में हैं। इस वजह से पूरे जिले की नजर यहीं पर आके टिक चुकी है। हालांकि धनंजय प्रताप सिंह का नाम यहां से सूची में भेजा गया था, लेकिन किन कारणों से उनका नाम काट दिया गया, और जबकि 18 ब्लॉकों के 17 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन अमावा ब्लॉक में कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वैशाली सिंह को ही वॉकओवर दिया गया है। क्या आदित्य सिंह की बढ़ती नजदीकियों के चलते भाजपा से ही क्या उनसे टिकट हटा दिया गया, उनको ले लिया गया उनसे वापस टिकट? जी हाँ, ऐसा है, चूंकि आदित्य सिंह को प्रदेश सरकार ने वाइस रैली की सुरक्षा भी प्रदान की है, और अक्सर वो विधानसभा से लेकर सामाजिक समारोहों तक ही योगी सरकार की ही कार्यक्रमों का ही बखान करती हुई नजर आती, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही मंशा से धनंजय प्रताप सिंह का टिकट काटा गया है। जी ठीक है, ओम शंकर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आदित्य सिंह की नजदीकियां कहीं ना कहीं धनंजय प्रताप सिंह पर भारी पड़ गई, और पहले जो नाम धनंजय सिंह का भाजपा से जोड़ा जा रहा था, टिकट की बात की जा रही थी, वही उनको सूची से हटा दिया गया है। अब इस ब्लॉक से मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। आगरा के शमशाबाद ब्लॉक में मनरेगा के तहत सड़क खरंजा बनाने के लिए लाखों रुपए की धनराशि निकाली गई थी, लेकिन विकास के लिए निकाली गई इस धनराशि का काफी दुरुपयोग किया गया है, और लोगों ने ग्राम पंचायत निधि से लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया है। निर्माण कार्य न होने और पैसों की हेराफेरी को लेकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने अधिकारियों के शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत निधि में घोटाले पर एडीओ पंचायत शमशाबाद सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। ये खरंजा का बता रहे हैं, कब से नहीं हुआ है ये? 10 साल पहले हुआ था, बच्चू सिंह की बम जिला पंचायत है, उसने करा था। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ, बता नहीं रहा है। इसके नाम से पैसा निकल चुका है विकास कार्य, बता रहे हैं प्रधान जी के इससे निकल गया है पैसा, लेकिन आपके गांव में इस तरह का कोई विकास कार्य हुआ है? ये नहीं, मामला ये है जो कि RCC उसमें पास है कागजों में, कार्य कोई हुआ नहीं है, इस पर पैसा निकल गया, पैसा निकल चुका है इसका। अच्छा, पैसा विकास कार्य के लिए निकल चुका है, लेकिन मौके पर कार्य नहीं हुआ है। इसकी शिकायत आपने अभी किसी आला अधिकारी से की? हाँ जी। किससे की है? हमने अपने सेक्रेटरी महोदय से की है, और APO साहब से? APO साहब से की है। आए कोई अभी मौके पर आया यहाँ देखने? TA साहब आए। इस खबर पर वहीं हमारे साथ आगरा के ब्यूरो चीफ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे आना चाहूंगी, क्या मामला है, क्योंकि खड़ंजा की बात हो रही है, लाखों रुपए की हेरा फेरी की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ADO भी घेरे में है सवालों के। जी, मैं आपको मुख्य बता दूं, ये मामला जो संज्ञान में जो आया है, ये मामला है शमशाबाद ब्लॉक के बड़ोबरा गांव का, जहां पर पूर्व प्रधान जो महिला थी बेबी देवी, और उनकी पत्नी जो उनके जो पति हैं रंजीत सिंह, उनके ऊपर इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि रंजीत सिंह एक ठेकेदारी अपने तट से कंपनी चलाते हैं, और जो भी विकास कार्य वहां उस गांव में दिखाए गए, दर्शाए गए, और जिससे पैसा निकाला गया है, वो सारे काम इन्हीं रंजीत सिंह जो उनके प्रधान के जो पति हैं उनकी फंड के द्वारा ही कराए गए हैं। और मौके पे वास्तविक स्थिति जो ग्रामीणों से भी बात की गई है, और जो शिकायत में जो किया गया है उसमें यही है कि वहां पर मौके पे कोई भी काम नहीं किया गया है, और जो सरकारी धन है उसका गबन करके, जिसमें ADO पंचायत और ब्लॉक के कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने शामिल होकर प्रधान के साथ मिलकर मिली भगत करके करीब 40 से 50 लाख रुपए का गबन किया है। जी अमित, अब अधिकारियों की तरफ से अभी इस पर कोई बयानबाजी, कोई बात आपके द्वारा की गई है? जी, मेरे द्वारा जो ब्लॉक के अधिकारी हैं BDO साहब, उनको फोन किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन पर मुझसे अभी ये बोल दिया गया कि अभी हमारी जांच चल रही है, जांच से पहले हम कोई भी स्पष्ट आपको बता नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं गोलमाल है, क्योंकि विभाग के अधिकारी जैसे कि ADO पंचायत जो होते हैं और सेक्रेटरी जो होता है, ये इनका पूरा दायित्व होता है, जो ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य किए जाते हैं उसमें इनके बिना साइनिंग अथॉरिटी के कोई भी निधि का मतलब निकाला नहीं जा सकता है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं BDO साहब का जो बयान है, जिस तरीके उन्होंने कहा है कि जांच से पूर्व हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो कहीं ना कहीं संलिप्तता उनको साफ जाहिर दिखाई दे रही है, लेकिन वही बात है कि दिखाने के लिए अभी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारी हेरा फेरी करते नजर आ रहे हैं, हालांकि घोटाला तो हुआ है लेकिन एडीओ सवालों के घेरे में है, लेकिन फोन नहीं उठाया जाता, जब फोन किया जाए तो जवाब नहीं दिया जाता। और लगातार ग्रामीणों की तरफ से भी ये शिकायत सामने आ रही है, जिसपे तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं बढ़ते हैं आगे, बुलंदशहर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में दुकान से जा रही 10 साल की मासूम से ई रिक्शा चालक ने दुष्कर्म किया। मासूम के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपी ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद मासूम बच्ची किसी तरह से अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। पीड़ित परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ताज थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जब वो अपने पिता को जूस के ग्लास देने के लिए जा रही थी, एक ई रिक्शे से वो लड़की जा रही थी, तो ई रिक्शे वाले ने उसको धोखे से सही रास्ते पे ना ले जाके दूसरे रास्ते पे ले गया और बच्ची का आरोप है कि उसने उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची के माँ बाप के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची द्वारा ये भी बताया गया कि रास्ते में उसने ई रिक्शा वाले से के फ़ोन से अपने पिता को एक फ़ोन किया था और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिवांग हमारे साथ इस वक्त बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। शिवांग, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त पीड़िता की हालत कैसी है? जी, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है सिकंदराबाद कोतवाली के अंतर्गत एक क्षेत्र का है, जहां पर जो है एक बच्ची के साथ में, जो एक 10 वर्ष की बच्ची है उसके साथ में एक ई रिक्शा चालक के द्वारा दरिंदगी की हरकत की गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बच्ची जो है वो जूस के गिलास लेकर अपने पिता के पास जा रही थी, तभी बच्ची को अकेला देखकर वो गंतव्य स्थान की जगह, ई रिक्शा चालक जो था वो गंतव्य स्थान की जगह एक अलग जंगल में लेके चला गया और उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। तभी उसके बाद तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए परिजनों के तहरीक दिए गई तहरीर के आधार पर पुलिस में जो है एक आरोपी को जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में डायल 112 के पुलिसकर्मियों के द्वारा महकमे की छवि को खराब करने का आरोप लग रहा है। दरअसल डायल 112 के पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में एक लकड़ी को ले जाते हुए दिखाई दी और इन पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को जंगल में ले जाकर खड़ा कर दिया। पुलिस वालों की हरकत पॉलिटेक्निक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।